पिछवागति से चल रहे रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर अब बैसलात के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों युवाओं ने कल रविवार को फ्लाईओवर के पास इकट्ठा होकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने कब बनेगा पुल, सांसद और विधायक का पूर्ण बहिष्कार जैसे पोस्टर भी अपने हाथों में लिए हुए थे। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पलवल विधायक दीपक मंगला को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 31 मार्च तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और इस बार भी डेडलाइन मिस हुई तो उन्हें मजबूरन नेशनल हाईवे 19 को जाम करना पड़ेगा। गुस्साई भीड़ में कुछ लोगों से बातचीत की देश रोजाना के संवाददाता जितेंद्र चौहान ने। सुनिए इस विषय पर उनका क्या कहना है। हरित भाई बताओगे, आज ये जो युवा इकट्ठे हुए हैं कौन कौन से गांव से हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, आज जितने भी सारे युवा इकट्ठे हुए हैं ये मंत्री जी के विरोध में, मंगला जी के विरोध में, के पुल को लेकर जो पूरे बैसलात क्षेत्र का युवा खड़ा है, हर गांव से युवा आए हैं। कुछ अनहोनी हो गई थी गाँव में, इस वजह से कुछ युवा नहीं पहुँच पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुल को 2018 में 18 महीने के लिए इसका टेंडर छूटा था, लेकिन आज इस पुल को 5 साल हो गए। इस पुल की वजह से इतना परेशान है पूरे इलाके का, ये युवा यहाँ खड़ा है, युवा तैयारी करने जाते हैं पुल, उनको पता है उन पर क्या बीतती है। आप देखिए कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है, जब मेन जो रास्ता है हमारा बंद हो गया, उसके बाद सावटे से जाते, छजूनगर से जाते, तारा के से जाते, उस रास्ते पर कई बार तो लूटपाट हो चुकी है, उस लूटपाट का भुगतान कौन करेगा? माननीय मंत्री जी, हम आपको साफ साफ कहना चाहते हैं कि या तो इस पुल के काम को, जो आपने डेडलाइन दी है 31 मार्च 2023 की, या तो तब तक इसको कम्प्लीट कर दे, वरना याद रखना या तो हम हाईवे जाम करेंगे या हम बूस्टर को बंद करेंगे, आपको बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी मूवी अभी बाकी है। एक एक युवा जाग चुका है, वो समझ चुका है कि हमारे साथ किस तरह का, जो मंत्रियों ने मिलकर, विधायकों ने मिलकर 5 साल लगा दिए, कभी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं होती, इनका कोई कसूर नहीं कर्मचारियों का, आप पैसे दीजिए तो काम करेंगे खूब, लेकिन जानबूझकर आपकी मंशा ये है कि बैसला क्षेत्र को पिछड़ा छोड़कर जितने भी गांव है सारे उनको पिछड़ा रखा जाए, कि कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बुरी बात लगती है कि हमारी विकास की जो बात है, आज एक एक युवा जाग कर यहाँ खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, आने वाले चुनावों में आपको ये युवा खड़ा होकर काले झंडे भी दिखाएगा। या तो आप समय रहते इस बात को संभाल ले, हम भी समर्थक रहे हैं, ये पूरा युवा समर्थक रहा है, आपको दिल्ली तक भेजने में बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन जिस तरह आज बैसला क्षेत्र के गांव के युवा यहां तक आने में जो कठिनाई बरत रहे हैं, यही कठिनाई आपको फरीदाबाद से दिल्ली के रास्ते में होगी। याद रखना, पुल नहीं था वोट नहीं, पुल नहीं था वोट नहीं। लगातार आप मांग कर रहे हैं पुल को लेकर, आवागमन को लेकर, और बच्चों की पढ़ाई और जो शादी विवाह या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है उसको लेकर क्या आपकी यहाँ पर? देखिए, हाल ही में अभी हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, एक परिवार से ही 5 लोग जो उनका देहांत हो गया है एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट की वजह यही है कि कोई किधर रास्ते से, कोई किधर रास्ते से, शादियां चल रही है, मेन रास्ता हमारा बंद है, फिर कहां से लोग भाग जाएं, बहुत ज़्यादा परेशान है। 100 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है। आप देखिए फाटक पर कई बार गर्भवती महिलाएं जो होती है हॉस्पिटल में भी समय तक नहीं पहुँच पाती। दूसरा इसका बहुत बड़ा असर मैं आपको बताऊँ, सबसे पढ़ाई पर असर ऐसा है कि आप देखिए उस तरफ के जो स्कूल या कॉलेज है, मैं कई बार डेपुटेशन पे टीचर वहाँ चले जाते हैं, डेपुटेशन उनका डिपार्टमेंट से हो जाता है कि आप जाकर कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन वो आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है। इस पुल की वजह से डेपुटेशन हो जाता है, लेकिन हमारे स्कूलों में भी स्टाफ कम पड़ा है, कोई चार टीचर स्कूल चला रहे हैं, कोई कॉलेज का प्रोफेसर, आप भी खबर लगाते हो 2 प्रोफेसर वहाँ कॉलेज चला रहे हैं, कोई आकर राजी नहीं है। और जब भी आने जाने की, हमारा दूधिया जो वर्ग है, कर्मचारी जो वर्ग है, कैसे कैसे काम करके वो आता है, इतना परेशान हो जाता है। जब दूधिया की बात करो तो हम दूधिया से बात करके, संपर्क करके, हम चाहेंगे कि एक दिन वो दिल्ली अपना दूध भी ना भेजे, दिल्ली को पता लगे कि इस पलवल जिले की जनता कितनी परेशानी जूझ रही है। माननीय विधायक जी और कृष्णपाल जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि या तो इस पुल को समय रहते 31 मार्च जो आपकी डेडलाइन है, आप इसके काम को शुरू कराइए, वरना बहुत बड़े विरोध का आपको सामना करना पड़ेगा। अभी बायकाट के बैनर लेके आप घूम रहे हो, 31 मार्च लास्ट डेडलाइन रखी गई है इसकी, अगर डेडलाइन बढ़ती है और आगे के लिए टाल दिया जाता है तो आगे क्या ये जो बायकाट के बैनर है वो गांव में भी लगाए जाएंगे? देखिए, हम इसको बहुत व्यापक स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा। तो मैं पहले आपको बता रहा था गांव में दुर्घटना होगी, अभी डेथ होगी किसी की, वरना बहुत बड़ा, यहाँ लोग पहुँचते और गांव-गांव हम जाकर जितने भी हमारे बैसलात के गांव हैं या यहाँ भी जो लोग हैं उन सबसे संपर्क करके, हम एक बहुत बड़ी महापंचायत करके हम कोशिश करेंगे यहाँ धरना दें, जबकि धरना दे भी लिया, सारे काम कर लिया, लेकिन इनको सीधे रास्ते बात समझ में नहीं आती, अब बात समझाई जाएगी टेढ़े रास्ते से, या तो बूस्टर बंद करेंगे अगली बार, हम साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं इस बात की, पूरा युवा खड़ा या हाईवे को जाम करेंगे। ये युवा सभी बहुत गुस्से में है और इस गुस्से का सामना आपको करना पड़ेगा यदि पुल नहीं हुआ तो। आपका विनोद मास्टर जी। विनोद जी कहाँ से हो आप? बड़ौली से।
ये जो आज युवा इकट्ठे हुए हैं, ये जो युवा इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन से गांव से हैं, किस तरह का आक्रोश है युवा? भाई साहब, इस क्रॉसिंग के बाद जितने भी गांव हैं सभी गांवों से लोग आए हुए हैं, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हम लोग 5 साल इस नरक में रह रहे हैं, मंत्री जी या विधायक जी 5 दिन रह के दिखाते हमारे साथ। इस स्थिति में हम रह रहे हैं यहाँ पे, वो 5 दिन रह के दिखा दें, हम मान जाएंगे। ठीक है जी, हमें 5 साल हो गए हैं इस स्थिति में रहते हुए, ना कोई रास्ते हैं ना कुछ है, और आए दिन यहाँ पर क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं होती है, कितने लोग यहाँ पर एक्सीडेंट हो गए हैं ट्रेन से क्रॉसिंग करने के लिए उसमें। ठीक है जी, पूरा का पूरा क्षेत्र एक शोक की लहर से निकल रहा है आज, ऐसा माहौल बन गया है, डर लगने लगा है आज, ऐसी स्थिति पैदा कर दी हमारे शासन ने और प्रशासन ने यहाँ की। क्या हम इस लायक थे? इसलिए वोट दिया था हम लोगों ने उनके लिए, इसलिए बनाए थे। आने वाले चुनावों में किस तरह की रणनीति? भाई साहब, रणनीति साफ है, अगर हमारा ये समाधान नहीं होता है, कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं, सब नीति फेल है। हम बायकॉट करेंगे बिल्कुल, हम इस क्षेत्र में आने नहीं देंगे। जब हमें ऐसे ही रहना तो हम कैसे भी रह लेंगे? बिल्कुल भाई, हम किसी भी तरीके से, जब हम खुद करने आए तो हम किसी भी प्रकार से रह लेंगे। हम इस क्षेत्र में किसी को आने ही नहीं देंगे। 4 बार डेडलाइन रखी गई, मिस हो चुकी है, 5वीं बार इस बार अगर डेडलाइन मिस होती है तो माननीय मंत्री जी को और विधायक जी को अपने करने का फल भोगना पड़ेगा। सीधी सी बात है, गलत कर रहे हैं क्षेत्र के साथ ये लोग, बहुत गलत हुआ है जब से बीजेपी आई है। नहीं पता क्या षड्यंत्र है, कौन सी बुद्धि चल रही है इन लोगों की इसके पीछे, हमें नहीं पता। सीधे साधे लोग हैं हमारे क्षेत्र के, हमें यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी है, पर सहूलियत तो दें ये लोग। हमसे तो सौतेले से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया जा रहा है। क्या रूप और रूप है? लोग कहते हैं भाई बैसलात का मंत्री है, बैसलात के हाथों में चौधर है। भैया, भाड़ में गई ऐसी चौधर, भट्टी में दे दो या चौधर है, मैं भी बैसलात ते हूँ, बैसला ही हूँ। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अगर बायकॉट, बिल्कुल टोटली बायकॉट, चक्का जाम कर देंगे भाई। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा राम प्रसाद है जी। कहाँ रहते हो राम प्रसाद? नगर में जी। क्या काम करते हैं आप? दुकानदारी करते हैं जी। तो क्या समस्या आ रही है पुल को? समस्या हो रही है जी, क्योंकि पुल 4 साल से बना नहीं है जी, और मतलब गाड़ी घोड़ा सब पानी भर जाता है उसमें, गिर जाते हैं, कई घुटना हो चुकी है, कई गाड़ी पलट चुकी है जी। और ये कभी कई बार संगठन किया था जी उसके बारे में जी, कोई हल नहीं हो रहा जी। पुल ना बनने को लेकर दुकानदारी पर किस तरह का असर पड़ रहा है? अस्पताल जी, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा जी, मतलब कोई सवारी चल रही जी, और रोड बंद हुआ जी बिल्कुल, और रेल क्रॉस करने पर कई दुर्घटना हो चुकी है, दो बच्चे एक साथ मारे गए थे बिल्कुल जी, और पुल पर पैदल वालों के लिए रास्ता नहीं है जी बिल्कुल जी। तो क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है जी, जल्दी पुल पर तैयार किया जाए जी। क्या नाम है आपका? राजरानी। कहाँ रहते हो राजरानी? हरिनगर में। क्या समस्या आ रही है पुल निर्माण कार्य को लेकर? बालकन को बहुत दिक्कत आ रही है पढ़ने में, रेल पार करनी पड़ती है, वो दिक्कत आती है, ना सवारी आती है ना कुछ आती है। तो क्या स्कूल है इस तरफ? 3-4 स्कूल हैं बड़े बड़े, उनमें दिक्कत आती है बालकन में, कई बाल अब कट चुके भी हैं। तो इसको लेकर आपने आवाज उठाई किसी अधिकारी से या किसी से मिले आप? हम ना मिले, वो कोई करे तो कुछ भी ना करे कोई भी। तो धरने प्रदर्शन भी तो कई हो चुके हैं? हाँ, कई हो चुके हैं, और जामे यहाँ में दिक्कत रहती है बालकन की, सवन की, बड़े बड़े इनकी भी दिक्कत रहती रही। तो यहाँ पर जब बारिश हो जाती है तो कैसा रास्ते का हाल रहता है? बालक बच्चे सब वापसी आ जा में। तो पलवल जाने आने में किस तरह की समस्या आती है? हमें ऐसे जाने पर घूम के नहीं है, हम तो जामे ही ना, बाजार मार्केट ही ना कर पाए, हमें इतने दिन आएगी। तो क्या कारण है जो पुल का निर्माण कार्य इतना लंबा हो गया? पुल बनना चाहिए जरूर, तो मार्केट शादी वादी के लिए भी दिक्कत जानी पड़े हमें। जी, क्या नाम है आपका? दीपक बैचला। दीपक, क्या है ये पुल निर्माण कार्य को लेके क्या समस्या आ रही है? सर, इसको 5 साल होने को जा रहे हैं पुल, और ये अभी तक कोई इस पे
कार्रवाई नहीं हो पा रही है ढंग से। हल्का मल का काम चलता रहता है, चुनाव के चक्कर में, अगले साल के चक्कर में लटका रखा है इसको, और इसको बनाने में आप देख ही रहे हो बहुत लटका रखा है इस काम को, 5 साल हो जाएंगे। और हम आगे बीजेपी को भी इसके चक्कर में वोट नहीं दी जाएगी जैसा इस पे काम चल रहा है, जिस समस्याओं से हम घिरे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, पानी नहीं निकलने का कोई रास्ता है ना ही कुछ है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह। क्या मानना है निर्माण कार्य लेट हुआ ही क्यों? सर पहले तो कोरोना का कारण बता रहे थे, लेकिन अब तो कोरोना को भी गए बहुत टाइम हो गया है, ये चुनाव के चक्कर में लटक रहा है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से लटक रहा है। तो क्या मानना है, लोकल राजनीति है इस पुल को रोकने में? हाँ जी सर, बिल्कुल लोकल राजनीति है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, उसी के चक्कर में इसको लटका रखा है कि बैसलात को दिखा दिया जाएगा कि ये पुल बन गया है, अगले साल चुनाव के चक्कर में उसी कारण लटका रखा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप कहाँ रहते हैं? मैं हरिनगर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आ रही है रसूलपुर पुल को लेकर? समस्या ये कि 3-4 साल हो गए इसे काम को, अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है, हमें इतनी समस्या हो रही है, मैं पीछे से इतने होके जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर हमें बहुत लंबा पड़ जाता है, तो यहाँ ये है कि जब बारिश होती है तो पूरा पानी भरा रहता है, और 2-3 बार तो नाले में भी गिर चुके हैं, मोटरसाइकिल वाले होते हैं जैसे बाइक वाले, तो गाड़ी का तो निकलना बंद हो जाता है, बाइक से मजबूरी भी ले जाने पड़ती है इमरजेंसी में। कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए हैं? धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन कोई उससे कोई उसका हल नहीं हो पाया है। तो निर्माण कार्य तो अब भी चल रहा है? निर्माण कार्य तो इसका 2-3 साल से चल रहा है निर्माण कार्य, निर्माण से खुलना मतलब है, काम तो पूरा हो ही नहीं, अब भी पता नहीं हो नहीं हो। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य साल 2018 के अक्टूबर महीने में 45 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। 18 महीने में इस फ्लाईओवर को बनकर तैयार होना था, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 4 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। 4 साल से लोग फ्लाईओवर न बनने के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग को लेकर कई गांव के लोग पहले भी धरना दे चुके हैं, जिनको जिला प्रशासन ने आश्वासन देकर समाप्त कराया था। धरने के बाद काम तो शुरू करवा दिया गया, लेकिन काम की रफ्तार बहुत धीमी है। इस अधूरे फ्लाईओवर के कारण आसपास के लोगों का जीना दूभर हो चला है। बैसलात के कई गांवों के ग्रामीणों को जाने आने के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें पलवल आवाजाही करने के लिए कई किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। रास्तों की हालत भी इतनी खस्ता है कि आसपास की सड़कें खुदी पड़ी हैं, और बरसाती मौसम में इन रास्तों पर कीचड़ जलभराव के चलते समस्या और विकराल हो जाती है। इलाके और आसपास के लोगों को बीमारी और दुर्घटना के वक्त सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लोग, स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर मजबूरी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे से रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पार करते समय भी कई लोग और छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से हसनपुर, बड़ोली, रसूलपुर, लोहागढ़, रोनिजा, छज्जूनगर, होशिंगाबाद, अच्छेजा, कुशक सहित करीब 40 से 50 गांवों और कॉलोनियों के निवासियों को फायदा पहुंचेगा। देश रोजाना के लिए पलवल से संवाददाता जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।